रैंक सिमुलेटर। और जैसा कि तुम सबको याद होगा, इससे पिछले एपिसोड में मैंने अपने ग्रीन हाउस के अंदर फार्मिंग करना स्टार्ट कर दी थी, और आज के दिन भाई मुझे और तगड़े तगड़े अपग्रेडेशन करने हैं। हाँ, मैंने बोला था इससे अगले एपिसोड में अपन फार्मिंग चालू कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट भाई फार्मिंग इतनी छोटी चीज नहीं है, उसके लिए मुझे बहुत सारे इक्विपमेंट्स लाने पड़ेंगे। तो आज से अपन धीरे धीरे करके सारे इक्विपमेंट्स लाने वाले हैं। जितने इक्विपमेंट्स आज आ जाएंगे उतने आज ले आऊंगा। ऐसे धीरे धीरे करके सब कुछ इकट्ठा करेंगे और फिर अपन अपनी फार्मिंग स्टार्ट करेंगे। और उसी के साथ साथ मुझे एक मिल्किंग एरिया भी बनाना है, जहाँ पे सारी काउज एक जगह रहेंगी और ऑटोमेटिक मशीन से अपने आप उनका मिल्क अपने कैन में आ जाएगा। उसी के साथ साथ जहाँ पे वो काउज रहेंगी, साइड में एक बुल घूमता रहेगा जो कि और काउज करने में मदद करेगा। तो भाई अभी के लिए तो यही प्लान है। बाकी भाई तुम लोगों के कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनसे भाई बहुत हेल्प मिल रही है। भाई सबसे बड़ा और सबसे लाइफ सेवर कमेंट था कि लाइफ सेवर कह रहा हूँ मैं, टाइम सेवर, कि मैं कर्ड को कूलर में रख सकता हूँ। भाई मैं उसको उठा उठा के एक एक उठा उठा के लेके जाता था। हाँ, इससे पिछले एपिसोड में मैंने उसको यूज किया है कूलर का कर्ड उठाने के लिए, बट भाई आप 15 एपिसोड पहले कहाँ थे। चलो कोई बात नहीं। बाकी एक कमेंट आया अपने पास कि बीफ काउ को मार के उसका बीफ बेच दो, उसका कोई फायदा नहीं है। ये कोई बात है? मतलब ये कोई बात है? अभी थोड़ा और बड़ा हूं दो तब काटेंगे। तो भाई ऐसी कमेंट्स करते रहो, बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल कर दो सब्सक्राइब, चलते हैं गेम में, लेट्स गो। और हाँ भाई, एक और कमेंट आया था कि अपन इस रेंज के ऊपर कौन सा कलर करें। भाई ने बोला था वोट करो, लेकिन लोगों ने वोट नहीं करा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। छोटा चैनल है अपना, यूट्यूब पे चैनल है ना, तो भाई ने बोला था इस पे येलो या फिर रेड कलर करा जाए, तो मिक्सअप में कर देंगे, देख लेंगे। अभी मुझे देख के आना भाई इनका क्या सीन चल रहा है, पहले तो ये बताओ मेरे को। हाँ, तुम लोगों का सब सही है? अबे पिगीज भाई, एक तो पिगीज के लिए अलग ही रेंज बनानी पड़ेगी मेरे को। देखना 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 कैसे कैसे फिर रहे हैं, कैसे फिर। अरे रुक जाओ, मुझे आज के दिन कुछ तो तगड़ा करना पड़ेगा, कुछ तो एकदम तगड़ा करना पड़ेगा, तब काम चलेगा। पहले तो इनका दूध निकाल लूं मैं। तुम लोग कहते हो बीफ काउ दूध नहीं देती, ऐसे कैसे नहीं देती? ये देखो, देती है, कम देती है लेकिन देती है, ठीक है। इनसे आधा देती है एक बार में, लेकिन देती है। कोई बात नहीं, अपने को क्या, अपने को तो लेने का है दूध, लेने का है, जितना दूध मिल जाए उतना बढ़िया। लेकिन ठीक है, अभी जब मिल्किंग एरिया बना दूंगा उसके अंदर मैं बीफ नहीं रखने वाला हूँ, उसके अंदर सिर्फ काउज रहेंगी। हटो हटो हटो, एक और, हाँ ये काउ बच गई, चलो खुद ही से आ गई भाई, खुद ही से आ जाती है कि जनाब हमारे पेट में ज्यादा दूध हो गया, आप ले लो। चलो अरे हट जा, अरे फिर तुमने भीड़ मचा दी, शर्म नहीं आ रही होगी, बिल्कुल बंद करो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम, एक सेकंड। ओए अबे वो साले बकरी का है वो, ठीक है, और तू सुअर का, एक दूसरे के साथ नैन मटक के मत करना यार, पता पड़े कोई तीसरी ब्रीड पैदा कर दें। इसमें डालो, इसको उठाओ बंद करो, इसको उठाओ बंद। चलो भाई अभी थोड़ा सा दूध और बचाओ इनके अंदर, दूध और ले आऊं, दूध दे दो। आ गया भाई सारा दूध आ गया, चलो इसको डालो इसमें, इसको लो और चलते हैं बाहर। ए मत आइयो रे बाहर। और भाई बहुत दिनों से मैं इन मुर्गियों के पास भी नहीं जाके आया, देखते हैं मुर्गियों का क्या हाल चल रहा है। ओए बंद कर। अबे चिक्की बाहर आ जाएगी, चिक्की साड़े मैं अंदर आता हूं, रुका, अब बंद कर। ओ कोई बाहर नहीं गया। अबे ये किस प्रकार से अंडे फेंक रखे हैं तुम लोगों ने, काम वाम नहीं आ रहे तुम्हारे अंडे, मैं ले जाऊं इन्हें। यार इनका एरिया भी बहुत बड़ा करना पड़ेगा, देखना नीचे भरे पड़े हैं, अबे नीचे तक अंडे कर। अबे क्या सीन है, इतनी तेज। अच्छा ये चिक्कीज पैदा होके, ये सफेद वाली चिक्कीज है सारी जो नई पैदा हुई है, नीचे देखना 1, 2, 3 वहां पे है, और यहाँ की साइड भी दिख नहीं रहे भाई। इनके लिए भी एक एरिया बड़ा करना पड़ेगा। फैंस की बोली थी तुम लोगों ने, बट यहाँ पे मैं फैंस लगा नहीं सकता। मैं क्या कह रहा हूँ, इनके लिए फैंस लगाएंगे यहाँ पे, देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे फैंस लग जाएंगी, और ऐसे एक और दो में शायद काम हो जाएगा, और ये इधर की साइड फेस करता हुआ ना, इधर की साइड वापस सीढ़ी आ जाएंगी, और यहाँ पे एक और ऐसा चिक्की हाउस आ जाएगा, जो भी होता है वो चिक्की कॉप। रुक जाओ मैं लगा ही देता हूँ ना, एक बार डेमोंस्ट्रेट कर देता हूँ। यही वाला बना रखा है ना मैंने, बिग चिकन कॉप, प्रीमियम चिकन कॉप, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा, यही वाला लगता है मेरे को तो शायद, एक्सपेंसिव कॉप। भाई इसके अंदर मटेरियल ज्यादा लग रहा है, क्या ये बड़ा है? रिकमेंडेड फॉर कीपिंग मोर देन 30 हेंस इसमें। ओके गाइस ये सबसे बड़ा वाला है। अरे ये शिट कर दी मैंने, मेरे को पहली बार में सबसे बड़ा बनाना था, मैंने पता नहीं क्या बना दिया। अब इसको मैं यहाँ लगा सकता हूँ वैसे, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात, अगर इसको मैं यहाँ लगा दूं यार, बट इसका बैक बहुत गंदा लगेगा फिर है। देखो ये बैक अपना यहाँ पे फ्लैट सा लगेगा, एक सेकंड देखते हैं, पहले सो जाता हूं मैं जाके, आज के दिन देखते हैं भाई क्या चक्कर है इसका। हाँ यार ये मेरे को पहले नहीं पता था, वरना मैं पहली बार में बड़ा वाला बनाता, अब उसको तोड़ने का मन भी नहीं है, बट इतने बड़े को है ना। तो इसके अंदर 30 हैंस आ जाती है ऐसा ये बोल रहे हैं, और 30 ओ सही है भाई, ये जगह तो बहुत प्यारी है। पीछे की साइड बस एक खिड़की है, और यहाँ पे गेट है शायद, क्या पता, बट यार इनका फेस तो इधर उधर ही करना पड़ेगा, क्योंकि वरना अच्छा नहीं लगेगा। देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसको बनाते प्रॉपर जगह पे, थोड़ा सा पीछे करो, इधर करो, आगे आगे आगे, क्या ये सही लोकेशन पे लगा है, टेढ़ा तो नहीं है भाई, लोकेशन पे तो सही लग गया, ये एकदम प्रॉपर जगह है यहाँ पे, और ये फैंस के बाहर निकल रहा है थोड़ा सा, है ना। तो इसको उठाओ, इसके बाद एक बार फैंस वापस दो मुझे, ये फैंस जाएंगी ऐसे, यहाँ लगाओ, और अब देखते हैं, टेढ़ा आ गया भाई, अभी ठीक है, ओके अभी ठीक है, एक और लगा दो इधर, इसको थोड़ा टेढ़ा लगा देते हैं ऐसे, ओ नाइस लग गया गाइस, ये देखो अभी ठीक है ना, अभी यहाँ से यार चिकीज बाहर आ जाएंगी, बट यहाँ से अबे नहीं ऐसा काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं, इसको उठाओ, ये तो बिग प्रॉब्लम हो गई गाइस है। मैंने सोचा था ऐसा ही एक और बना दूंगा, बट ये शिट हो गई, शिट। और पता है इसके अंदर भी मैंने नीचे दो रख रखे ना, इसलिए फायदा है, नीचे दो पॉट्स रख रखे खाने पीने के, इसलिए वो लोग खा पी रहे हैं आराम से, वरना शायद मरने लग जाते, क्योंकि इसके अंदर 20 से तो ज्यादा ही हैंस है भाई, नहीं
20 होंगी, प्रॉपर 20 होंगी, 20 से ज्यादा तो नहीं है अभी भाई। दोनों साइड ये हल्का हल्का सा गैप रह जा रहा है, इधर गैप नहीं रह रहा, इधर का एकदम बढ़िया लग गया है, इधर गैप रह रहा था, इधर क्यों ना फेंस लगाई जाए, वो वाली फेंस गेट लगाई जाए, क्योंकि मेरे को भी तो घुसना पड़ेगा ना इसमें। तो अगर ये ऐसे लग जाए, ओके सही लग गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त इतने एरिया में रहेंगे ये लोग बढ़िया अपने। तो इसके लिए मुझे चाहिए 100 वुड प्लैंक्स और 52 मेटल्स, बाकी जो फेंस वगैरह बनेंगे वो तो है ही। ठीक है भाई, एक तो ये भी बनाना है, ये भी मैंने स्ट्रक्चर तो बना ही दिया, बाकी अब मैंने सोच लिया है यहाँ एक और बांध नहीं बनेगा, बांध बनाएंगे उधर की साइड, यहाँ पे बनेगा मिल्किंग एरिया, वो भी छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा सारा। बाकी भाई तुम लोगों का दूध निकालने का टाइम हो गया है, 2 सेकंड गाइस, इनका दूध निकाल लूं मैं, दूध बहुत सारा पैसा आएगा दूध। और आज बताओ भाई कौन सा इक्विपमेंट लाया जाए फार्मिंग के लिए, जो भी अपना पहला ट्रक ले आएंगे, बताओ क्या कहते हो, ट्रक या फिर ट्रैक्टर, दो चीजों में से एक ला सकता हूँ, दोनों ही चीज लानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को वो ट्रॉली भी लानी पड़ेगी जिसके अंदर अपन वो काट कूट के हार्वेस्ट वगैरह कर कुरा के सामान इकट्ठा करेंगे, सब लाना पड़ेगा मेरे को, बस जो भी अच्छा लगेगा ना और अपने बजट में होगा। देखो इस टाइम मेरे पास 3,000 रुपए है और जहां तक 5,000 रुपए मैं कमा लूंगा इसमें, 5,000 रुपए और नहीं मतलब टोटल 5,000 रुपए। तो देखते हैं आज के क्या क्या सामान ला पाता हूं मैं, मुझे वुड्स वगैरह भी लानी है, चिक्कीज वगैरह के लिए भी वो बड़ा करना है एरिया। अबे सबने दूध दे दिया क्या, दो का तो ले लिया मैंने, है ना इसमें, अच्छा 42 हो गया ना, ठीक है, एक बस वो उस बुल का निकाल, वो बीफ वाली का निकालना रहेगा। ला भाई तू भी दे, तू खुद भाई खुद ही आ जाती है लोग, देख रहे हो तुम, खुद से आने लग गए आजकल, समझदार हो गए, अब तो बनाने की जरूरत ही नहीं मिल्किंग एरिया, अगर इतने समझदारी हो ही गए फिर भी बनाएंगे भाई, ये सुगरों के साथ रह रहे के सुगर की प्रजाति के हो गए सारे। चलो भाई बहुत सारा कर्ड बन गया यार, चीज वगैरह भी तो बनता है, वो भी देखना है मुझे, चीज कैसे बनता है, चीज की रेसिपी क्या है, कैसे बनेगा चीज। नहीं नहीं धंधे खोल के बैठ जाता हूँ आधे अधूरे, एक भी धंधा पूरा नहीं हो रहा, बताओ ये चिक्कीज किस लिए पल रही है, उसके अंडे आज तक मैंने एक भी नहीं बेचे, और वो पता नहीं, हाँ ये रहे देखो 35 अंडे इसमें रखे हुए और वहां पे और 10 अंडे, रुक जाओ वो ले आऊ। और ये अबे E2 स्किन, अबे चिक्की, अबे वो इसको स्किन करके पूरा ही खत्म ही हो गई, वो चिक्की मरी पड़ी थी भाई वहां पे, इसके अंदर एक भी अंडा नहीं है भाई, 10 अंडे होने चाहिए इसके अंदर, ऐसे कैसे एक भी अंडा नहीं है, ये तो चीटिंग कर रहे हो तुम लोग, मुझे लगा था इसमें 10 अंडे होंगे, छोड़ो कोई बात, इसको ले चलते हैं अपन वहां पे, इसको अभी रखो यहाँ पे, और अब कूलर लेके आना मेरे को, और इसके अंदर भी स्टोरेज नहीं बनाई है मैंने, स्टोरेज भी आधी छोड़ दी है, लेकिन ये अभी ये तो मैंने देखे उग गए भाई सारे, ला 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 ला, अब सबसे पहले तो यही हार्वेस्ट करूंगा, इनका भी तो पैसा खूब मिलेगा, ये भी तो इसलिए बनाए थे मैंने, अरे ये अलग अलग, अरे बताओ ये नहीं जाएंगे उसके अंदर, कोई बात है, अब इसको अलग अलग रख के लेके जाऊं टेम्पो में, ये भी तो किसी चीज में आने चाहिए ना यार, ऐसे ये गलत बात, बताओ वो इतना बड़ा कर्ड कर्ड का पैकेट आ जाता है इसके अंदर, ये नहीं आ पा रहे, कौन सा लॉजिक है, अब अंदर के कैसे तोड़ू, अरे शिट कर दी ना मैंने, इधर से घूम के जाना पड़ेगा, अरे इधर नहीं जाना था, इधर जाना, वही नहीं ये तो तोड़ ही नहीं पा रहा, ये तो शिट कर दी मैं, वैसे ऐसे बीच बीच में जा जाके, अच्छा यहाँ यहाँ से जा पा रहा हूँ, ये ले लेता हूँ इसका, ठीक है आ गया, सब कुछ ले लिया ना मैंने, हाँ अब इसको रखो यहाँ, यहाँ से मेरे को लेना है एक तो ये, और एक यार ऐसे तो मैं फर्टिलाइजर वगैरह कैसे डालूंगा, चलो जो छोटे पेड़ है उनका तो कोई बात नहीं, यहाँ तक तो मैं डाल दूंगा, और ये भी पेड़ अभी पूरे ग्रो हुए नहीं है, पूरे ग्रो होंगे उसके बाद पता पड़ेगा क्या हुआ है क्या नहीं। और फर्टिलाइजर मैंने एक खत्म कर दिया था गलती से, मैं डाल रहा था, मैंने गलती से खत्म कर दिया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओ गाइस देखो एकदम से आवाज आने लगी, स्प्रिंकलर चालू हो गया भाई, स्प्रिंकलर चालू हो गया, अरे लो मैं फंस गया, मैं फंस गया, अरे ये मैंने शिट कर दी भाई, 3-3 नहीं लगाने चाहिए थे, वैसे तो निकल गया हूं मैं, लेकिन मुझे 3-3 नहीं लगाने, 2-2 तक ही मैं काम कर सकता हूं, लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे चढ़ के मैं काम कर ही दे रहा हूं इन लोगों का। चलो अभी वहां पे वाटरमेलन रह गए थोड़े से, ये उठा लूं मैं, इसको रखो यहां पे, इसको रखो, ओ ये तो सूख ही गया, क्यों भाई ये क्या पागलपंती है, एक बार में कैसे सूख सकता है तू, बाकी इसके अंदर भाई ये फर्टिलाइजर आ नहीं रहा है, तो क्या मतलब ये डब्बा भर गया, रुक जाओ इसमें आ जाएंगे कि, अरे नहीं आ रहे हैं भाई, ये नहीं आ रहे हैं, इनको अलग से ही लेके जाना पड़ेगा वाटरमेलन को, कोई मतलब नहीं इनको उगाने, टमाटर भी बेच के आऊंगा, चलो टमाटर भी बेच के आऊंगा, उससे पहले ये भर लूं मैं सारे, ये सारी कलेक्ट करते हैं, एक के अंदर देखो 19 आ गई हैं, बाकी बकरियों का तो मैं दूध निकाल ही नहीं रहा हूं भाई, बकरियों के लिए भी एक अलग से जगह बनानी पड़ेगी। लाओ मेरी ट्रॉली कहां है छोटी, ओए मेरी वैन, मेरी वैन कहां है, मेरी वैन कहां है, मेरे साथ दो, इधर, अरे इधर एक और कूलर पड़ा है, इसको रखो यहाँ पे, इसको लो, इसको रखो यहाँ, इसमें क्या है वाइल्ड मीट, चलो भाई घुमा के मैं यहाँ ले आया हूँ, इसको लगाओ यहाँ, एक इसको रखना है मुझे, और अभी चलते फटाफट से बेस्ट बर्गर पे और ये सब बेच के आते, चलो धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम, ओए 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 सीधी आ गया भाई, डायरेक्ट यहाँ पे आ गया हूँ मैं, इसको लगाओ थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, ग्रेप्स भी लेता है क्या ये, ग्रेप्स लाया हूँ क्या लाया हूँ, एक सेकंड देखने देना, ब्लू मोल्ड टोमेटोज, टोमेटोज अरे बर्गर में टोमेटोज तो डलते हैं, ले लेगा ये आदमी, ले लेगा हाँ भाई, टोमेटो ले रहा है ये, ले रहा है ये, लेकिन यार 6 रुपए की, एक सेकंड यार शॉप से तो महंगी ले रहा होगा ना, देखो ये सेल करो, ये सेल करो, और ये भी मैं सेल कर ही देता हूँ, अगले टोमेटोज वहाँ पे दिखाएंगे जनरल स्टोर पे, क्या पता वो महंगे ले रहा हूँ और ये सस्ते ले रहा हूँ। अभी यहाँ से मेरे को कितने रुपए मिले, ओके 2,500 रुपीज मिले, और अरे ये रस्ते में पड़ा रहता, रुक जाओ इसको भी ले ही ले, खोलो इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, रखो यहाँ, अभी मुझे कुछ वुड प्लैंक्स लाने हैं इसलिए मैं जा रहा हूँ हार्डवेयर स्टोर पे, और ये है जी, अच्छा अबे मूर्ति है, मेरे को लगा ये डियर अंदर क्या कर रहा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात, चलो भाई अब बताओ। और इसी के अंदर मेरे को ये देखो भाई ट्रैक्टर वगैरह इसी के अंदर मिलने वाले हैं ये सारी चीजें। अभी ट्रैक्टर देखो 1,000 रुपए का है, और ये एनिमल ट्रेलर, इसके अंदर एनिमल
बुलाते हैं कि वो हार्वेस्ट करने। ओके हार्वेस्ट ट्रेलर तो ये है, ठीक है भाई। बाकी तो कोई अच्छा सामान है नहीं इसके अंदर। वुड प्लैंक्स लेते हैं पहले, तो 80 वुड प्लैंक्स ले रहा हूं मैं 320 के, ठीक है। उसके बाद अरे बड़ा ट्रक लाना चाहिए था मेरे को। उसके बाद आज के दिन क्या लिया जाए भाई ये बताओ मेरे को। वैसे अपन इस छोटी गाड़ी को भी बड़ा ट्रक बना सकते हैं, कार ट्रेलर। ये अपनी अपनी इस वैन के पीछे लग जाएगा, इतना बड़ा ट्रेलर हो जाएगा, देख रहे हो तुम। बट ये 2100 का है। बाकी 2-3 कूलर ले लेता हूँ। और आज तक मुझे इलेक्ट्रिक मीट ग्राइंडर समझ में नहीं आया है। इससे कुछ तो बनता है, सॉसेज वगैरह मैंने देखा था, दोनों एक साथ काम करती हैं, बट वो उसका पूरा प्रोसेस मुझे पता नहीं है, वो भी बनाएंगे। बाकी भाई आज के दिन मैं सबसे पहला सामान खरीदने वाला हूँ फार्मिंग के लिए, वो होगा ट्रैक्टर अपना, ये इसका नाम है जो भी है भाई, ठीक है। एक ये खरीदने वाला हूँ, ठीक है। ये हो गया अपना 3700 रुपए का। कार ट्रेलर मैंने इसलिए खरीदा है क्योंकि यहाँ का सारा सामान एक साथ आ जाए। और अभी भाई ये देखो, अबे ये ये क्या था, एक सेकंड। अरे शिट कर दी भाई, शिट कर दी। मेरे को ट्रैक्टर शायद कार वाले से लेना था, 1000 रुपए दे दिए। क्या काम आता है ये, वाह वाह भाई वाह। अरे बच्चों वाला ट्रैक्टर खरीद लिया मैं, रुक जा इस ट्रैक्टर को लेके जाऊंगा। अभी चलता भी ये उठाया भी नहीं जाएगा मेरे जहाँ तक। अरे कैसे चल रहा है, इसको घर कैसे लेके जाओ। अरे बच्चों वाला ट्रैक्टर खरीद लिया भाई, किसी को जरूरत हो तो ले जाओ। अच्छा अरे इसको खोल। गाइज नाइस थिंग इन्वेंटेड, गाइज नाइस थिंग इन्वेंटेड। एक सेकंड रुको, इसमें तो सारा सामान ले जाऊंगा साला मैं। अरे अरे खुद चढ़ गई, खुद चढ़ गई उसके ऊपर। कर रहा क्या कर रहा है, आगे ले बस बस पीछे ले, पीछे थोड़ा सा बस बस बस। अब इसको लगाना कैसे, सी से होगा, हो ही नहीं रहा अब। अबे उतर उतर, सारे ही बाद में कर लेंगे। अरे उतर ना भाई। गाइस तुमने देखा यहाँ पे कोई, रुक 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 रुक, पकड़ 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 साले को पकड़। ओ जीवन में पहन, अबे ये क्या दिखा, देख रहे भाग, अबे गोली नहीं है। शिट शिट हो गई, शिट हो गई। पापा हूँ तेरा, इधर आके दिखा तू, गोली है नहीं। देख मेरे पास जो है यहाँ पे मिल जाती है, हार्डवेयर स्टोर पे मिल जाती है, देखना पड़ेगा मेरे को। बाकी है चल बे छछुंदर, एक बॉर्डर नहीं लांग पा रहा तू। गोली मिल जाए तो मजा आ जाए, इसको मारूंगा। अरे गोली नहीं मिलती है यहाँ पे, लो बात। अब उसको देख के रह सकते हैं, बस जिंदा छोड़ दो। अभी तो पीछे पड़ जाएगा। हाँ क्या चाह रहे हो सर, क्या चाह। अबे ए पापा को मारेगा, पापा को मारेगा। छोड़ो गाइस मैं अपना काम कर रहा था वो करता हूँ, इसको मार तो सकते नहीं है। इसको लगाओ अभी इसके अंदर, है ना। लग जा भाई लग जा, सिम सिम लग जा, लगना यार। ओ लग रहा है गाइस, लग गया है ये देखो, अभी एकदम परफेक्ट है। और ये कहाँ जा रहा है, मेरे को लगा अंदर आ रहा है, बुद्धि बुद्धि आगे दिखे। अभी इसको चढ़ा सकते हैं ना इसके ऊपर, अब देखते हैं। वो चढ़ गया, चढ़ चढ़ चढ़। अरे चढ़ जा भाई, ये चढ़ गया, चढ़ गया। मस्त चीज है रे भाई, मस्त चीज है। लाओ अब एक एक करके सारा सामान रख देता हूँ मैं इसके अंदर, बहुत जगह है। लेकिन ये अपने घर तक चली तो जाएगी ना चीजें, पता पड़े रास्ते में फंस गया कहीं। अरे आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे, क्या चाह रहे हो तुम, इधर उधर हो रहे हो बार बार, है थक गया क्या। अरे 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 हाँप जाता है, हाँप जाता है लोंडा, हाँप जाता है, बुढ़ापा आ गया बुढ़ापा। चलो भाई फिलहाल मैंने सारे आइटम रख लिए, इसको कर देते हैं बंद, ठीक है। और अभी मेरे को इसमें बैठना और फटाफट भागो। अबे यार भाई वो ट्रक जा ही नहीं रहा, उसको अलग से चला के लेके जाना पड़ेगा। वो जा रहा है बस वहीं तक नहीं चल रहा था, ठीक है। चल 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 चल, चलने दो। ये बात, अबे नहीं वो घिसके जा रहा है, वो जा नहीं सकता, बट अपन जबरदस्ती उसको ले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, एक बार में दोनों आइटम पहुंच जाए, बढ़िया ही है। चल 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 चल। अरे ऐसे ऐसे चलेगा, भालू आ जाएगा पागल, जल्दी भगले। यहीं कहीं होगा, यहीं कहीं, वो रहा उसे पता नहीं पड़ा, रास्ता नहीं पता पड़ा, भग जा। अबे ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। अरे और हाँ, अरे मेहमान है, मेहमान पड़े यहाँ पे, रुक जाओ। ये बताना भूल गया था गाइस, ये भी मेरे को मिला था रास्ते में यहीं पे, इसको मैंने मार दिया था और मैं भग गया था यहाँ। चलो अभी फटाफट से घर लेके चलो सारा आइटम। अबे नहीं हाँ, इसको कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल वाली, ऐसे करो ऐसे लेके चल 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 चल। अबे ओए मेरा ट्रक, ओए ये क्या अबे मेरा ट्रक कहीं रास्ते में रह गया, वो यही तो नहीं है कहीं, ये रहा अरे खिलौने वाला ट्रक यही है मेरा, ऐसे कोई लेके तो जाएगा नहीं, इसको लेके चलेंगे साथ के साथ। अरे यार ये देखना कैसे चलता है, कैसे तो चलता है ये, कैसे लेके जाऊं उसको लेके। ओह शिट नहीं, अटक जाएगा। बगल में ले। चल बस बढ़िया। चलने दे, कोने में चला, इधर चला। अरे क्यों लिया है मैंने साला, इसको पहुंचाने में आधा दिन लग जाएगा पूरा। यहां पे मेरे को गायों का दूध भी निकालना होता है, समझ भाई, जल्दी चल ले थोड़ा। देखो ले लिया इसको मैंने, फट गले डाल लिया, जो तो कोई काम भी नहीं आएगा शायद, मुझे नहीं पता क्या काम आएगा ये, काम तो आना चाहिए अगर मैंने खरीदा है तो, 1000 रुपए का पूरा। चलो इसको सड़क पे छोड़ जाते हैं, अभी अपन इस ट्रॉली को लेके चलते हैं। चल भाई, ओए पेट्रोल एंड होने वाला है इसके अंदर, नहीं चल 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 जल्दी चल जल्दी चल, पेट्रोल एंड हो उससे पहले तू घर पहुंचा दे मेरे को। अभी ये पेड़ों के बीच में से कैसे जाएगी ट्रॉली, वो जा रही है। चलते जाओ। ये पेड़ काटने पड़ेंगे भाई, इस एरिया के सारे पेड़ काट दूंगा, बस ये दो ही आते हैं बीच में वैसे। चलो अब सीधा जाना, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। बस रोक दे। अरे रोको, हाँ ठोक दी, देखना गाड़ी। अभी जलाओ लाइट फटाफट से, ठीक है। और मुझे चाहिए गायों का दूध, मुझे कोई नौटंकी नहीं चाहिए, कोई नहीं सोएगा जब तक दूध नहीं निकला भाई। देखे बात, तू इधर आगे आते जाओ खुद से, समझ रहे हो ना बात में। अरे सबको यही घुसना है क्या, क्या बारात जा रही है तुम लोगों। चलो चलो भाई, लास्ट बचा इंसान ये रहा, इस कोने में घुसी पड़ी। चलो डन भाई, अभी मेरे को जो है
लाइट बंद करनी चाहिए। खोलो इसको, बंद करो, लाइट जलाओ। ई टू एड। ला भाई बच्चा कुछ दूध भी दे दे, फिर मैं जाके सोऊं। चलो गुड मॉर्निंग गाइस, अगला दिन हो चुका है, फटाफट से चलते हैं। जो सामान लाए भाई उसका पहले तो सेल्फ बना दे क्या, क्या कहते हो? सेल्फ ही बनाते, और तो कोई काम ज्यादा आएगी नहीं। 80 वुड लाया हूं, ज्यादा वुड भी नहीं लाया। मुझे ट्रक वर्क खरीदने थे, ट्रक के नाम पे खिलौने वाला ट्रक लिया। लो गाय का दूध दो मेरे को, पहले इसमें डालो, इसमें डालो, तो दो इसको, और दो इसमें। चलो ये भी खत्म होने वाला है। फिलहाल मैं इस ट्रॉली को अनअटैच करके ना वहां जाने वाला हूँ कार शोरूम पे। मुझे ट्रक तो चाहिए, देखो कितने का आता है वो पता करके आता हूँ। आज के दिन एक ट्रक चाहिए था मुझे सबसे पहले, ये ट्रॉली खरीद ली इतनी बड़ी। लेट्स गो भाई, पर वो छोटू वाला ट्रक भी लाना है भाई। तुम लोग कमेंट्स में ये जरूर बताना वो छोटू वाला ट्रक क्या काम आता है। कमेंट्स में बता क्या वो छोटू ट्रक क्या काम आता है। जब तक मैं जाके आता हूँ कार शॉप कहाँ, ये रही, अरे ये रही बगल में। यहाँ लगा गाड़ी लगा। खोलो गेट को, हार को अलग खुलता है गेट। हाँ भाई लोंडे मुझे बताइयो तेरे यहाँ पे ट्रक मिलता दिखे, मेरे ने सुनी थी। ये तो ट्रक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी। ओ ये रहा ट्रैक्टर, ट्रैक्टर नाम है इसका, और हार्वेस्टर भी यही मिलता है। ओके बाकी अच्छा ठीक है, यहाँ से दो चीजें मुझे लेके जानी है। एक तो ये ट्रैक्टर जिसकी कॉस्ट है 1200, और एक है हार्वेस्टर जिसकी कॉस्ट है 2000। और गाइज मैं बताऊं क्या कहता हूँ, मैं दोनों चीज ले सकता हूँ। ट्रैक्टर तो छोटा वाला आ गया, पहले हार्वेस्टर लेते हैं। नॉट इनफ, हाँ अरे मैं समझ, मेरे को पता था रुक जाओ। लेकिन मैंने ये सोचा था दोनों कैसे ले सकते हैं वो मैं बताता हूँ। ऐसे ले सकते, ये देख हमारे बैंक के अंदर, और बैंक के अंदर है ऑप्शन लोन का 2500 रुपए, जिसको हम ले रहे हैं टेक द क्रेडिट। क्योंकि अब मुझे भाई ये कन्फर्म हो गया कि मैं लोन तो आराम से चुका दूंगा, लोन की दिक्कत नहीं है। वैसे लोन लेके मुझे ये सामान नहीं खरीदना चाहिए था, लेकिन ठीक है मेरा मन है भाई, इसको करते हैं बाय। थैंक यू फॉर योर परचेज, योर व्हीकल इज वेटिंग फॉर यू इन पार्किंग लॉट। चलो अगला मुझे खरीदना है कि ट्रैक्टर, ये भी खरीद लिया, ये भी अपना वेट कर रहा है पार्किंग लॉट में। और फार्मर एक्सपेंड हो गया है अपना कुछ तो मस्त। और भाई ये रही गाड़ी, अबे सालों इतनी दूर दूर कैसे लगाई तुम लोगों ने, पहले तो ये देखने। ओके यूज द कल्टीवेटर, ओके भाई ये ट्रैक्टर बहुत काम आता है। परचेज द हार्वेस्टर टू हार्वेस्ट देम, ओके समझ गया मैं, समझ पा रहा हूँ मैं तुम्हारी बात। इसमें पेट्रोल की टंकी कहाँ है, लेकिन पेट्रोल भी भराना पड़ेगा क्या इस पर? हार्वेस्टर तो खुद अलग चलता होगा, देखने देना। अच्छा ठीक है ये तो समझ गया मैं, हार्वेस्टर भी अलग चलता होगा। हाँ इसके भी अलग नखरे। परचेज द एप्रोप्रिएट हार्वेस्टिंग, अरे अरे भाई अब इसके अलग अलग हार्डवेयर वो भी हैं, क्या कहते हैं अलग अलग चीजें लगेंगी इसके आगे। अभी बस ये हार्वेस्टर, हार्वेस्टर की डब्बा है, इसके आगे आएगा मेन आइटम। तो अरे ये बड़ी बड़ी आइटम मैंने खरीद तो लिए, मेरे से संभलेंगे नहीं। इसके अंदर क्या लिखा रहा, अच्छा इसमें स्टोरेज अलग से साथ के साथ। बाकी ट्रैक्टर, अब इन तीनों चीजों को साथ साथ कैसे लेके जाऊं? पहले ट्रैक्टर लेके चलेंगे, मजा आ रहा है इसकी आवाज सुनने में। चलो लेट्स गो, एक एक करके आना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, वो तो ठीक है। क्या मस्त चल रहा है देख रहे हो, मेरे घर के आगे रख के आऊंगा, मजा आएगा, फोटो खिंचाऊंगा फिर फोटो ट्रैक्टर पे बैठ। भाई आज के दिन में मैंने 2 से 3 आइटम ले लिए पूरे पूरे। वो एक छोटा ट्रैक्टर तुम बताना बस किस काम आता है, वो भी काम में तो आएगा पक्की बात है किसी। इसको खड़ी करेंगे अपने रेंज के सामने। आए हाय ये बात, रुक 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 रुक। अरे भाई यहाँ पे होम डिलीवरी वगैरह का ऑप्शन नहीं क्या? ओए छोटू, ओए तुझे पता है यहाँ होम डिलीवरी कैसे होती? पता है क्या? गोली वोली नहीं आज मेरे पास, सुन मारूंगा नहीं। अरे तू कोई बात, जितनी जोर से भगा है मेरे पे गोली है क्या साढ़े छोड़ती रही ऐसे। अरे मेरी हार्वेस्टर के चक्कर में गाड़ियां रुकी पड़ी है, रुकना रुकना रुकना, एक सेकंड बस आ गया। और पता तुम लोगों को इन सब का कलर भी चेंज करा सकता हूँ मैं, बट अभी कुछ दिन नॉर्मल ब्यूटी पे रहते हैं, पर नॉर्मल ब्यूटी पे नेचुरल ब्यूटी सॉरी, उसके बाद में कलर चेंज कराएंगे। और ये तेज चलता है, ये ट्रॉलर तेज चलता है। और ये क्या है नीचे की साइड? नहीं ये तो तेज नहीं चल रहा, मुझे तो लगा था तेज चलेगा। अच्छा हैंड ब्रेक है, ये L2 स्विच लाइट्स, लाइट्स भी हैं इसके अंदर। ये तेज चल रहा था यार, अभी तो अब धीरे चलने लगा है। और अरे इसका ये भी कर सकते हैं, ये देखो क्या मस्त चीज है, पता नहीं क्या काम आता बट ये मस्त चीज है। ये लाना आ गया मेरे को, मस्त हिल रहा। अरे ऐसे चलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? घर लेके जाओ इसको, घर लेके जाओ, घर ले जाने जैसी चीज है ये, आधे घंटे में तो चलेगी। ओ बड़ी ओए सुन, देख नई चीज लाया हूं मैं, देख देख रहा है मस्त चीज है कि नहीं? सुन रहा? अरे सुन मेरी बात, अरे अरे सुनते ही नहीं है बात, इतनी एकदम बढ़िया चीज दिखा रहा था मैं, नहीं कोई दिखाता है छोड़ो मेरे को, मैं शरीफ आदमी, मैं सीधा सीधा जाऊँ। पर यहाँ अलग गलत ले आया हूँ मैं, यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं थी, इनको रख के आना वहाँ पे फार्मिंग होगी अपनी आगे की साइड, जहाँ पोते का बगीचा चालू होता है ना वहाँ है मेन फार्मिंग की चीज। ये भी तो अपन छोटी मोटी चीजें कर रहे हैं। चलो अभी वापस जाना पड़ेगा मेरे को, यहाँ क्या चल रहा है, खेल वेल हुआ कि नहीं तुम्हारा? ओ ये हो गया, ओ पंपकिन, एक सेकंड रुक रुक रुक, ये दियो जरा, ये दियो, दोबारा हो गएंगे जब तक फायदा तो। अरे खोलो भाई ट्रॉली, तेरी ट्रॉली, ये देख आ रहा है इसके अंदर। ओके ये तो आ रहा, वो वापस वाटरमेलन बड़ी जल्दी आ रहे हैं। और ये तो पेड़ मर गया लो, अबे एक एक बार में कैसे मार रहे हो तुम पेड़, ये गलत बात है। देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है ये, अच्छा स्ट्रॉबेरी आ गई गाइस। लो स्ट्रॉबेरी का एक पेड़ सूख गया, नो स्पेस इन कंटेनर, रुक जा दूसरा ला रहा हूं। ज्यादा एरिया नहीं घेर रहे तुम लोग हैं, लो शर्म कर लो मेरे। और ये दोनों पेड़ मर गए क्या? नहीं नहीं दोनों पेड़ नहीं। अबे कितना एरिया घेर रहे हैं स्ट्रॉबेरीज बताओ, दूसरा कंटेनर भी फुल हो गया मेरा। अब तो बहुत सारे लाने पड़ेंगे मुझे।
स्ट्रॉबेरीज स्ट्रॉबेरीज में फुल हो गया पूरा, और पम्पकिन भी आ रहा। अरे लो पम्पकिन भी अलग ही हाथ में ही आएगा ये भी। इनको एक एक को रख के आऊं बताओ कोई बात है। ये देखो पानी डालना चालू हो गया वापस स्प्रिंकलर। पेड़ अलग मरे जा रहे हैं भाई। ये देखो जितनी जल्दी पेड़ मर रहे हैं ना, मतलब जितनी जल्दी फ्रूट्स आ रहे हैं ना उतनी जल्दी पेड़ मर रहे हैं इन लोगों। लाओ ये तो दो तुम पहले। चलो भाई ग्रेप्स भी मैंने ले लिए हैं। यहाँ पे एक वाटर मेलन उग गया है, उठाओ यहाँ रखो। और ये देखो भाई कितने सारे फ्रूट्स हैं, तीनों कंटेनरों में भरे पड़े हैं, बाहर फैले पड़े हैं। ठीक है भाई पैसा तो आएगा है, थोड़ी बहुत सेल्फ बनवा देता हूँ मैं जिससे फैला नहीं पड़ा रहा। ये लो भाई सारे बन गई हैं। और इसके अंदर हाँ कंटेनर जितनी जगह है, बाकी पम्पकिन वगैरह तो अलग से आएंगे नहीं। ग्रेप्स पड़े मेरे पास, रुक जाओ। जो जो एरिया खाली हो गया ना उसमें ग्रेप्स उगा देता हूँ। ये दो इधर, ये दो इधर, ये लो ये भी सूख गया। और यहाँ पे तो सारे सूख गए, एक ये सूख गया है, एक ये सूख गया है, एक ये। ये पास पास में उगाने की वजह से सूख रहे हैं क्या भाई? ये चीज और बताओ, मुझे ग्रेप्स एक और जगह उगा सकता हूँ। ठीक है अभी मुझे एक कंटेनर दो और इसको मैं रखता हूँ इसके अंदर। हाँ बढ़िया आ रहा है, एक में दो आ जाएंगे शायद, या फिर एक में एक ही आएगा। ये आएगा कि नहीं ये बताओ? ये भी आ जाएगा, बट ये रखने से मतलब नहीं है। ये सब चीजें डायरेक्ट बेच के आएंगे अपन कभी भी, जब भी निकालेंगे। अभी चलते हैं भाई, अपनी दो गाड़ियां और रह रही है रस्ते में, वो और ले आते हैं वरना मैं भूल ही जाऊंगा कि मैंने गाड़ी भी ली थी। सबसे पहले तो मैं अपने छोटा ट्रैक्टर लेके चलता हूँ। छोटा ट्रैक्टर चल मेरे साथ, चल तेरे भाई से मिलाता हूँ। इतना भाई से नहीं, तेरे पापा से मिलाता हूँ, साले तू ज्यादा ही छोटा है। अरे गाइज मैं पहुंच के मिलता हूँ, पहुंच के मिलता हूँ। ये भाई कब देखना, मुझे देखो, मुझे देखो इसके ऊपर बैठा हुआ कैसा लग रहा हूँ, जैसे कोई बड़े इंसान ने जिद कर दियो कहीं ऐसे मॉल वॉल के आगे। वो घूमती नहीं रहती रिमोट कंट्रोल गाड़ी है जिसपे बच्चों को बैठाते हैं, उस पर लग रहा है किसी बड़े इंसान ने जिद कर दी। पर ये तो कुछ नीचे हार्वेस्टिंग वार्वेस्टिंग का ही सिस्टम इसका, देखा ये। और इसमें अलग सीन और है, ये सिर्फ चलती है और बंद होती है, पता नहीं क्या ही काम आएगी ये। मेरे को क्या भाई, लेके चलो इस घर पे लेके चलो। पूरे 1000 रुपए लगाए इस ट्रैक्टर में, 1200 का तो बड़ा वाला आ गया। आगे भाई आगे, बस पहुंचने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। और ये चल भाई रोक, यही रोक, यही रोक दे। हाँ कोई बात नहीं, ज्यादा दुख लेने की दिक्कत नहीं है तेरे को, यही रखेंगे हम। चलो भाई अभी अपने बस एक धन्नो बची वो लेके आनी। और उससे पहले भाई तुम लोग एक चीज कमेंट्स में बताना, अगर मैं इसमें फर्टिलाइजर नहीं डालूं तो क्या ये पेड़ नहीं उगेंगे? मतलब पेड़ तो उगने चाहिए ना यार, फर्टिलाइजर तो अपन जल्दी उगाने के लिए और ऐसा इस चक्करों में डालते हैं। बाकी फर्टिलाइजर की वजह से मुझे लगता है कि पेड़ जो है जल जाते हैं। तो अगर मैं इस बार मैं ट्राई करूंगा कि बिना फर्टिलाइजर के पूरे पेड़ उग जाए। रुक जाओ ये तो खराब ही हो गया, क्या रिमूव कर दिया मैं, चलो ये सही कर दिया मैंने। बाकी इस बार ये बिना फर्टिलाइजर के सब उगने वाले हैं, मैं 1 रुपए का भी फर्टिलाइजर नहीं डालूंगा इसके अंदर। मतलब जिसमें डला हुआ है वो तो ठीक है। देखो ये भी उग रहे हैं ना, ये भी उग रहे हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिना फर्टिलाइजर के सब उग जाएगा। अभी मैं लेके आता हूँ भाई अपनी धन्नो लेके आता। चल भाई धन्नो अभी चलते हैं अपन घर पे। ठीक है यहाँ से ले लिया जो आइटम लेना था, अब मुझे जो है पैसे कमाने हैं रोज के, वो भी बहुत सारे। अब भाई साथ के साथ मैं वो वाला काम करना चालू करता हूँ। और तुमको भाई एक मैप बताता हूँ, वैसे तो मैंने शायद इंट्रो में जोड़ा होगा या फिर नहीं जोड़ा तो मैं अभी बताता हूँ। रुको भाई, और तू क्या कर रहा है साले, यहीं घूमता रहेगा क्या? घर चल जा, घर पे माँ ढूंढ रही होगी तेरे को, दूध पी ले जा। चलो भाई अभी मैं बताता हूँ तुम लोगों को कि मैंने क्या सोचा हुआ है। अब ये देखो मैंने ये सोचा हुआ है कि देखो सबसे पहले जो है बीच में ना बीचों बीच लगेगा एक फीडर यहाँ पे, उसके बगल में चारों तरफ बनेगा एक फाउंडेशन, ये वाला ऐसा फाउंडेशन बनेगा इतना ही ऊपर। ठीक है और उसके बाद जो है यहाँ पे लगेंगे ऐसे ऐसे फेंस, और एक फेंस के अंदर रहेगी एक काउ, तो ऐसे ही स्क्वायर बन जाएगा फेंस का एक। ठीक है फिर यहाँ से वो बंद हो जाएगा, फिर यहाँ से वापस बंद हो जाएगा, तो एक स्क्वायर के अंदर एक गाय रहेगी। और एक बार मैं बता देता हूँ कैसे, देखो ये लगेगा ऐसे, उसके बाद ये लगेगा ऐसे, ठीक है यहाँ पे ये एक दो, और यहाँ पे ये लगेगा ऐसे तीन। ठीक है तो अब समझे ना तुम लोग, देखो यहाँ पे रहेगा फर्टिलाइजर, मतलब फर्टिलाइजर कह रहा हूँ ऑटोमेटिक फीडर, उसके बाद ये चीज, और ये स्क्वायर में रहेगी प्रॉपर स्क्वायर में। रुको देखो ऐसे ये जो है स्क्वायर में रहेगी एकदम मस्त तगड़ी वाली, ये देखो अभी सही है ना। इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा एक फर्टिलाइजर, आ रहा है कि नहीं ये और देख लेते हैं। अरे फर्टिलाइजर कह रहा हूँ, एक सेकंड रुको भाई मैं बता रहा हूँ क्या, ये जो अपना ऑटोमेटिक फीडर है कि नहीं, ये देखो ये यहाँ आ जाएगा। अरे शिट हो गई, आ रहा आ गया आ गया आ गया, मतलब ठीक है ये आ गया ना यहाँ पे। अभी देखो अभी यहाँ पे ऐसे काउज रहेंगी, ठीक है ये प्रॉपर बनाऊंगा, अभी मैं बस डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 ऐसे, यहाँ पे भी सेम रहेगा 1 2 3 4 5, तो देखो ऐसे पूरा चारों तरफ रहेगा सेम चीज। तो यहाँ पे कितनी काउज आ जाएंगी, 1 2 3 4 काउज एक साइड रहेंगी। और ये जो अपना फाउंडेशन बना हुआ है ना, यहाँ पे रहेगा ऑटोमेटिक मिल्क एक्सटेंडर जो भी होता है भाई, वो तो वो हर एक जगह यहाँ तक रहेगा। बस फिर मुझे कुछ नहीं करना होगा, एक एक काउ को पकड़ के नहीं लाना पड़ेगा, इसमें हर एक में कैन लगी रहेगी, यहाँ से उठाया यहाँ पे दूध निकाला और वापिस रख दिया। अब एक लेवल एडवांस मैं ये सोच रहा हूँ कि इन लोगों के बच्चे भी होने देते हैं, तो मैंने ऐसा सोचा था कि अपन साइड में बनाएंगे एक गली ऐसी, ये देखो ये एक गली बन रही है, ये भी चारों तरफ रहेगी। ठीक है इस गली के अंदर अपन डोलाएंगे एक बुल को, बाहर वाली गली के अंदर, अंदर नहीं रहेगा बुल, बुल रहेगा बाहर चारों तरफ, और चारों तरफ अपने जा जाके काम तो कर ही देगा ना। और साथ के साथ यहाँ पे अपन फीडर्स बना देंगे बुल वाले एरिया में, तो क्या गाय जो है वो थोड़ा दूर से भी खाना खा लेती है। तो भाई अभी इतना बड़ा प्लान है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, बस ये पूरा हो जाए। एक सेकंड ये हटा दूं मैं सारी चीजें यार, अभी तो ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पा रहे, मैं कहां से करूंगा इतना बड़ा प्रोजेक्ट। और जिसके अंदर तो भाई
मैंने एक चीज नहीं बताई है, मेरे को इसी के अंदर वो वाला एरिया भी बनाना था जहाँ पे कर्ड बनता है। ओ शिट, ये तो मेरा पूरा प्लान ही फ्लॉप हो गया। मतलब नहीं, ऐसा ही बनेगा, सेम यही चीज बनेगी, बट इसके अंदर एक एरिया ऐसा भी रहेगा जिसके अंदर ये सारा काम भी होता होगा, क्योंकि मतलब मिल्क से रिलेटेड सारा काम मैं वहीं करने वाला हूँ। मीट का, चीज का अभी मुझे पता नहीं है, चीज वाला अभी सीन मेरे को पता पड़ जाएगा ना तो वो भी मैं कर दूंगा। तेरे को क्या हो रहा है, भैंस भैंस जैसा हो रखा है, तू मरने को हो रहा है, इधर मार। अरे यार इनको मार नहीं सकते क्या गोली के बिना? ओ मेरे पास राइफल भी तो है, राइफल में कितनी गोली है? राइफल दिखा के तू झट बली। अरे भाई ये पिगीज को क्या हो गया है, आसमान की ऊंचाई छू रहे हो तुम लोग हैं? इतने बड़े होने की जरूरत नहीं है, तुमको सबको मार दूंगा, तुम्हारी वजह से गाय मर जाती है। ओके गाइस, तो तुम लोगों को ये तो समझ में आ ही चुका है कि वो कैसे बनने वाला है। और भाई मेरी थोड़ी गले की बैंड बजी हुई है तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना। कल के दिन मैंने रिकॉर्डिंग करी थी, बाकी अगले दिन कर रहा हूँ, क्योंकि गले से फटे हुए स्पीकर की तरह आवाज आ रही थी। बोलने की भी तो गंदी आदत है भाई, बार बार ज्यादा बोलने की भी तो गंदी आदत है, क्या ही करूं बताओ। अभी अपन बनाते हैं भाई एक पूरा फ्रेम, मतलब जो अपन ये बनाते हैं ना इससे ब्लू प्रिंट तो एक प्रॉपर ढंग से ब्लू प्रिंट बनाते हैं। और इससे पहले तुमको जो मैंने समझाया था उसके अंदर तो स्टोरेज रूम भी नहीं था, बट अभी मेरे पास पूरा ब्लू पेन से ब्लू प्रिंट बना के मैंने रेडी कर रखा है, जिसके अंदर बीचों बीच स्टोरेज रूम भी है, दो ऑटोमेटिक फीडर्स हैं और बहुत सारी काउस का मिल्क निकाल सकते हैं। अपन ने जो पहले बनाया था ना उससे भी बहुत बड़ा है ये, जिसके लिए ये पूरा एरिया लगने वाला है। और मतलब मैं देख लेता हूँ जो जो साफ करने की जरूरत पड़ेगी वो मैं साफ कर लूंगा, एक यही पेड़ हटाना पड़ेगा, बाकी तो यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं। ये देखो उधर की साइड गिर, ठीक है बस ये एरिया चाहिए होगा अपने को, ये वाला एरिया, इस पूरे एरिया पे बनने वाला है भाई वो। बट वो बनाने से पहले मैं चलता हूँ सोने, बट उससे भी पहले मैं थोड़ा बहुत दूध निकाल लूंगा, दूध निकाल। और गाइस बीफ काउ का एक बछड़ा आ चुका है, क्या बात है, ये भी इतना बड़ा होगा भाई इसके बराबर का। यार इतनी भीड़ हो रखी है और यहाँ पे भी काउस के बच्चे भी आ रखे हैं। छोड़ो भाई मैं नहीं निकाल रहा, अभी बहुत भीड़ भड़का हो रखा है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, कल के दिन देखेंगे, गुड नाइट गाइस। चलो भाई अगला दिन हो चुका है, अभी मैं चालू करता हूँ ब्लू प्रिंट बनाना अपना। और भाई पूरा एरिया भरने वाला है पूरा, अभी देखते हैं मैंने जिस हिसाब से ब्लू प्रिंट बनाया है ना माइंड में उस हिसाब से तो पूरा भरने वाला है, बाकी तो कितना भरेगा कितना नहीं वो देखना पड़ेगा। चलो अभी सबसे पहले ये लगाना है मेरे को, और दूर इतना दूर मेरे जहां तक ठीक रहेगा, 1 2 3 और ये 4। अब ये क्या सीधा है यार, ये कैसे पता लगाऊं क्या ये रेंच से सीधा है? रुक जाओ एक सेकंड, क्योंकि भाई अगर यहाँ पे सिमेट्री नहीं बैठी ना तो सब कुछ खराब हो जाएगा, ये टेढ़ा ही बन जाएगा प्रॉपर। नहीं अभी वैसे मेरे को सही लग रहा है, यहाँ के हिसाब से पूरा सीधा है। तो देखो ये तो होने वाला है स्टोरेज रूम, अभी और बड़ा होगा। ये देखो 1 2 ठीक है, क्या इतना बड़ा स्टोरेज रूम? ठीक है, हाँ इतना बड़ा मेरे जहां तक ठीक रहेगा। बाकी इसके अंदर मुझे लगाना ये ऑटोमेटिक फीडर, जिसको मैं ऐसे लगा देता हूँ, मुंह को उधर ही रखता हूँ, ये भी बीच में होना चाहिए बिल्कुल। ओके डन, अभी देखो, अरे नहीं ये साइड में लग गया थोड़ा सा, लेकिन ठीक है मेरे को तो वैसे भी फेंस लगानी है यहाँ पे। रुक जाओ एक सेकंड, देखने दो एक सेकंड को, ये रही फेंस और ये लगने वाली है कुछ इस तरीके से। ओके ये यहाँ पे लग गई है और एकदम परफेक्ट भाई, सही है बिल्कुल सही, यहाँ और लग जाए बस, एक बार देखने दो। डन भाई यहाँ पे भी लग चुकी है, बस इसके साइड साइड लगानी है। देखो मैं एक सेकंड लगा देता हूँ, 1 2 ये देखो भाई प्रॉपर लग गया ये, और यहाँ पे भी प्रॉपर लग गया। ये तो खैर ज्वाइंट ही हो गया था, वो ज्वाइंट नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट मुझे ऐसे लगाना है कुछ इस तरीके से, और एक और लगेगा यहाँ पे, एंड डन। इसको थोड़ा सा नीचे लगा तो दिया है भाई मैंने, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही बना एकदम परफेक्ट भाई। और ये ऊपर तो नहीं आ रहा ना, अरे यार ये कैसे हो रहा है? तो शिट हो गई, रुक, ये नहीं चाहिए भाई, ये वापस बनाना पड़ेगा मेरे को, ये लगेगा यहाँ पे। नहीं ये तो खराब ही हो गई भाई, थोड़ा सा दूर लगाना चाहिए था मेरे को, और इसको थोड़ा टेढ़ा बना देते हैं, ऐसे मुझे पता पड़ेगा कितनी दूर लगाना है कितनी दूर नहीं लगाना। ओके यहाँ लग रहा है, इसको यहाँ लगा देते हैं बस, अभी देखते हैं इधर कोई कुछ चिपक तो नहीं रहा। हाँ अरे एकदम बढ़िया बना, बट अब इधर से ज्यादा स्पेस हो गया है, अब देखते हैं। ओके भाई मैंने परफेक्ट सेट कर दिया है, अभी मैं इसकी फेंस लगा देता हूँ, एक और ये। चलो भाई एक साइड मेरा कंप्लीट हो चुका है और काफी सही लग रहा है। हाँ इसमें वुड नहीं डली, अभी वुड डलेगी पूरे में, वो बाद में काम करेंगे, पहले सेकंड एरिया और बनाऊं, या फिर एक काम करता हूँ रुको, ये जो मैं चाह रहा हूँ ना वो बना के देखता हूँ जहाँ पे काउज आएंगे, 1 2 सेम यहाँ पे 1 2। ओके गाइस मैंने ये सारी फेंसेस तो लगा दी है जो अंदर लगनी थी, बट इसमें एक गलती, सॉरी गाइस, एक तो मैं बनाने से पहले अपना खुद का ही ब्लू प्रिंट नहीं देखता हूँ बताओ। वैसे ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, सेम टू सेम ऐसा मैंने यहाँ पे बना दिया है। ये जो फेंसेस लगी है ना इसमें सिंगल टूटेगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे को भाई फ्लोर बनाना था जिसपे मैं खुद भी तो चलूंगा, मैं कहाँ चलूंगा, मैं स्टोरेज रूम के अंदर ही चलूंगा सर, मेरे को बाहर भी तो चलने का है। फाउंडेशन दो मेरे को, फाउंडेशन दो, ज्यादा कुछ गलत नहीं किया, बस एक ये लगाना है, एक ये लगाना है, एक ये लगाना है, एक ये लगाना है, और ये एकदम कंटिन्यू चलेगा ऐसे, ये चारों तरफ रहेगा ना। ये देखो भाई बहुत सही लगने वाला है, एक सेकंड रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो भाई ये
ये साइड का वो एरिया हो गया जिसपे मैं चल के जाऊंगा और यहाँ पे साइड में सारी काउज होंगी, एक एक का दूध निकालूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक भी काउ को खींच के नहीं लाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, हर एक एरिया में यहाँ पे एक एक काउ होगी और पीछे की साइड यहाँ पे बुल फिरता रहेगा जो कि इनके बच्चे करवाएगा, और एक में दो जने भी रह सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इनका फूड एरिया भी बनाऊंगा, मैं अभी बताता हूँ कहाँ पे बनेगा फूड एरिया। और एक बार इनका एरिया देख लें तो कितना बड़ा एरिया, बहुत है भाई बहुत है, जितना बड़ा एरिया है ना आराम से काम बन जाएगा मेरा, ये देखो कितना बड़ा एरिया है। बाकी ये तो सिर्फ इसका हो गया, इधर के एरिया के लिए मैंने ये वाला बना रखा है, ये देखो है कि नहीं चीज, पापा बिल्डर से लड़ेंगे लोग बात। अभी बस ये दिक्कत हो गई, यहाँ पे दो दो बनाने थे, सिंगल में काउ आ तो जाएगी बट मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बड़ा एरिया रहे, क्या कहते हो, सिंगल एरिया दें काउ को या फिर डबल एरिया, तुम जो बोलोगे वही कर देंगे, बोलो क्या करा जाए। मेरे को अब सिंगल एरिया देख के भी अच्छा सा लग रहा है कि सिंगल एरिया दे दें तो ज्यादा बड़ा एरिया गिरेगा भी नहीं, बट देखते हैं। इसको उठाओ, ये देखो भाई ये कुछ इस तरीके से बंद हो जाएगा और ये इतना सा एरिया हो जाएगा एक काउ के लिए। यार ये भी ठीक है, क्यों बनाना है डबल एरिया, जैसे मैं इतना एरिया बनाने वाला था, देखो एक चीज दिखाता हूँ, मैं बनाने वाला था इतना बड़ा एरिया, एक यहाँ लगता उसके साथ साथ एक यहाँ लगता, ठीक है, उसके बाद ये लग, उसके बाद ये बंद होता ऐसे, ठीक है। ये देखो मैं इतना बड़ा एरिया बनाने वाला था, यार ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों। इसमें अगर उसका बच्चा भी हो जाता है ना तो वो आराम से यहाँ रह सकता है, और एक ही नहीं दो दो हो जाए तब भी रह सकता है। और ये वाला बनने वाला है फेंस गेट, ये देखो ये वाला होगा यहाँ पे, ये लगेगा कुछ इस तरीके से, एंड डन भाई, सही लग रहा है। मैं डबल डबल वाला एरिया बनाऊंगा, अब सब में बनाना है वो दिक्कत वाली बात है, धीरे धीरे करके सब में बनाऊंगा, रुक जाओ। अरे अभी तो सिर्फ ब्लू प्रिंट बन रहा है, अब यहाँ पे वुड ला के लगानी पड़ेगी, कितना झंझट हो जाएगा, सोच रहे हो तुम, सोच रहे हो, और रुको, अरे रात हो गई, रात साला पहले हो जाता। और देखो यहाँ पे जो है ऐसे फाउंडेशन, अरे दिख ही नहीं रहा है, कल के दिन दिखाऊंगा, छोड़ो। हाँ तो भाई मैं ये कह रहा था, देखो यहाँ पे जो है ऐसे ये वाली वॉल्स बन जाएंगी। अरे भाई कंटेनर ने फिरक दिया, कंटेनर कह रहा हूँ भाई, ये ऑटोमेटिक फीडर ने फिरक दिया, इधर इधर तो लग ही नहीं पा रही, लेकिन हाँ अपन ओपन में भी तो कर सकते हैं वो काम, तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो वैसे यहाँ और यहाँ तो मैं लगा सकता हूँ, बीच में नहीं लगाना है मेरे को, ऐसे लगाना था, देखो मैं समझाता हूँ, ये दिख रहा है ना, अबे यहाँ क्यों नहीं लग रहा है, की वजह से नहीं लग रहा है शायद, देखो ये लगने लग गया ना, ऐसे मैं लगाने वाला था पहले, यहाँ पे भी ऐसे बॉक्स बनता, ये बीच वाले में बड़ा वाला डोर बना देते या फिर ओपन ही रहने देते और ऊपर बनाते छत, फिर बीच वाला रूम तो जाता अपना स्टोरेज रूम, जिसके अंदर मतलब स्टोरेज रूम नहीं, जिसके अंदर अपना एक कर्ड वगैरह बनता है। ये वाला जो एरिया ना इतना गंदा हो रखा है, और भाई यहाँ के भी ये सब कुछ भर चुके हैं, ये देखो ये सारे भरे पड़े हैं, और इसके अंदर क्या चल रहा है भाई, बहुत देर से आया नहीं हूं मैं, वैसे तो कभी कभी मैं इनका मिल्क निकाल जा रहा था सोने से पहले, और यहाँ पे बच्चे वगैरह सब हो चुके हैं इन लोगों, और पिगीज कितने हो गए भाई, जिसमें से तो दो मार दिए थे मैंने, खुद ने मारी है दो, यहाँ पड़े हुए देखो, भरे पड़े होंगे, रुको एक सेकंड में बताता हूँ, अरे हटे जाओ, अरे हटे जाओ, रुक जाओ, तो मैं बेच के आऊँ सालो, आज प्रॉपर मीनिंग बताता हूँ बेच के खाने, ये देखो ये पड़ा हुआ ना, ये भरा हुआ और इसके अंदर भरा हुआ, ये देखो ये दो डब्बे भरे हुए उनके मीट से, बाकी तो यहाँ पे फल फ्रूट, अरे यहाँ तो मैं आया ही नहीं हूँ, कितनी देर हो गई है, अरे लेकिन ऐसे साले टूट जाते हैं पेड़, वो पाइनएप्पल क्या सही लग रहे हैं भाई, पाइनएप्पल इनको लेके कैसे जाऊँ साड़ो एक एक, यार ये घटिया चीज है भाई, ये तुम लोग बताना इनको किस में स्टोर करा जाए, ये खैर अभी उगे भी मेरे यहाँ पहली बार, ये सारी चीजें तुम लोग, ओ ग्रीप्स, अरे भाई कंटेनर, एक सेकंड रुक जाओ मैं बेच के आ रहा हूँ सारी, ये देखो ये कंटेनर भी फुल पड़ा है, ये क्या पागलपंती है भाई, रुक जाओ इसको रखूंगा मैं यहाँ पे, ये खाली है क्या, ये भी खाली नहीं, इसमें और आ रहा है क्या ब्लू मोल्ड वगैरह, लाओ भाई ये दे दो, अरे आ रहा है भाई, इसमें कितना आ जाता है, और दूध और दे रहे हो क्या तुम लोग, जरा देना, वैसे अभी निकाला था, सुबह होते ही निकाला था, बाद में मैं तुम लोगों को बताने लगा था कि हाँ भाई वो वैसे लगाना, ले अरे दूध दे, दूध दे इधर, वो देने लग गए, देने लग गए, सही है चलो सबको पकड़ के लाता हूँ मैं धीरे धीरे करके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दूध है भाई, नेक्स्ट इधर आ जाओ भाई, आ जाओ, तेरी बारी है, इसके बाद ये निकल गया सबका दूध, बस एक वो उसका बुल का बचा है, बुल भी दूध देता है, ठीक है तुम लोग सालो बदनाम करके बैठे हो कि बुल दूध नहीं देता, बुल बहुत प्यारा दूध देता है, एक कड़ बन जाता है उससे, ए बंद कर, चलो एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, अरे मेरे पास वही खत्म हो गया, बताओ क्या करूं मैं, छोड़ो ये लोड कराता हूं मैं तो अपने यहाँ पे, लाओ भाई इसके अंदर रखो, ये दो इसके अंदर रखो, ओ ये भी नहीं आ रहा है, ये भी फुल हो गया है, एक एक कड़ नहीं आ रहा है, और भाई तुम लोग ये जरूर कमेंट्स में बताना कि ये जो वाटरमेलन वगैरह है ना वो किस में स्टोर करे जाए, या फिर एक एक करके लेके जाना पड़ेगा भाई, ये तो बहुत भारी काम हो जाएगा, ये चीजें किसी में तो स्टोर होती होगी या फिर कुछ बनता होगा, तो वो चीज बता देना मेरे को कि इनसे क्या बनता है या फिर कैसे स्टोर वगैरह क्या सब कुछ जो भी होता है। देखो ये तो आएंगे भी नहीं भाई टेम्पो में, छोड़ो मैं एक बार जा रहा हूँ यहाँ पे जनरल स्टोर रेट पता लगाने फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स कहाँ बिकने चाहिए वो और देख लूंगा, तुम लोग भी बता देना भाई कमेंट्स में फ्रूट्स कहाँ बेचने, जनरल स्टोर पे या फिर वो बेस्ट बर्गर पे, फ्रूट्स तो मेरे जहाँ तक जनरल स्टोर पे बिकेंगे क्या पता, लो भाई मैं देख लूँ जरा क्या कह रही है तू, सेल में चलो देखो, पाइन एप्पल बिक रहा है 30 रुपए का, वाटरमेलन बिक रहा है 7 रुपए, टोमेटोज बिक रहे हैं 6 रुपए के, वहां शायद 7 रुपए के बिक रहे थे, रुक जाओ इस बार प्रॉपर फोटो लेगा, आगे गई फोटो आ गई है, अभी फटाफट से चलो बेस्ट बर्गर चलो, अबे अरे भाई अरे पेट्रोल,
लो बताओ, यहाँ के रुक गई और पेट्रोल खत्म हो गया है गाइस, आधे रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया, ढरकाता ले रहा था। चलो अब मैं बताता हूँ देखो रेट के अंतर। देखो पहली है स्ट्रॉबेरीज जो कि बराबर रेट में बिक रही है, ठीक है। फिर है टोमेटोज, टोमेटोज कहाँ गए ये रे। अरे नहीं टोमेटोज भी बराबर बिक रहे हैं भाई। बाकी पोर्क बिक रहा है इसमें 54 का और वहां बिक रहा था जनरल स्टोर पे 30 का, मतलब पोर्क यहाँ ज्यादा बिक रहा है। वाइल्ड मीट 15 का, वाइल्ड मीट बराबर का बिक रहा है। पाइनएप्पल भी बराबर का बिक रहा है। वाटरमेलन भी बराबर का बिक रहा है, मतलब फ्रूट्स कहीं भी बेच दो कोई मतलब के नहीं है, मतलब के तो है, पैसा तो देंगे 5,000। ऊपर देखो, ऊपर देखो 6,000। बाबरी एक बारी में 6,000 रुपए। अरे भाई क्या मतलब, क्या मतलब, मैं खाली करने आया था अपने कंटेनर, पेट्रोल खाली करके पैदल जा रहा हूँ। चढ़ जा साढ़े, इस पे नहीं चढ़ सकता क्या? ऐसे चढ़ते चढ़ते चलेंगे, रास्ता पास पड़ेगा। ढंग से। अबे अरे तू क्या कर रही है लोमड़ी, इस बार बंदूक की गोलियां ले आए, बकवास मत करना मेरे, जान दे बच्चों। भाई आप घूमने लग गए, ये अब घूमने लग गए, इधर उधर कहीं भी मिल जाते हैं भी। वो देखो सामने कोई तो दिख रहा है। बाबरी भयंकर भयंकर। ओए दो, ये भागा, अब ये भागेगा कहाँ तक भागेगा, वही मेरा घर है भाई, वही जाने का है मेरे को भी, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल काम कर देंगे पूरा नक्की एकदम। भागा भागा, अरे अरे उधर नहीं जाना था भाई, गलत जगह चला गया तू, पागल पागल है, कहाँ गया तू? देख रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ किधर है, ओए किधर भागा भाई ये, भागा ऐसा दिख ही नहीं रहा, छोड़ अपने को क्या। और भाई दूर से देखो वो कितना बड़ा एरिया ले रहा है, कितना बड़ा एरिया ले रहा है, तो जो तो अभी आधा पूरा हुआ है, इसको मैंने पूरा भी नहीं करा है। चलो भाई पेट्रोल दे दो। अरे यार ये सारे पेट्रोल भरा के लाने पड़ेंगे, सारे खाली पड़े, बट मुझे उम्मीद है एक तो पेट्रोल की टंकी भरी हुई होगी। ये रही देखा तुमने। चलो भाई आधी रात ही सही, लेकिन मैं यहाँ पहुंच गया हूँ पेट्रोल लेके, अभी इसमें डालते हैं और घर को चलते हैं भाई लोग। हाँ भाई अरे कहाँ डलता है तेरा पेट्रोल, ले चल भाई चल। और किसी दिन भाई इसके पीछे वो बड़ी वाली ट्रॉली लगा के लेके आऊंगा, पूरा वुड से भर के लेके जाऊंगा पूरा प्लैंक्स। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? किरण भाई साहब यहाँ करने देना जरा, साले रास्ता जाम करके रखा तूने, झोपड़ी में मारूंगा ये। चलो भाई रास्ता, भाई मैं रास्ता खाली करवा रहा था, देखो रास्ता खाली करवा दिया, मुझे कोई मतलब नहीं इस आदमी से, अभी कंगाल वंगाल हो जाऊंगा तो ऐसे हर जगह के बिखेर रखे मैंने, मार मार सबको कलेक्ट करके मैं मालदार बन जाऊंगा। चलो भाई अभी मैं घर आ गया हूँ, मैं घर जाके सो जाता हूँ क्योंकि आज दूध तो निकाल लिया है दोपहर वाला, अभी के लिए गुड नाइट। और भाई मेरे को सब में पेट्रोल भी भरा के लाना है, वो भी भरा के लाऊंगा। और तू साले लाइट नहीं बंद कर सकता अपने आप, अभी मुझको ये देखने का है इसमें पाइनएप्पल आ जाता है क्या, पाइनएप्पल E2 पिकअप, ओ आ जाता है, ये भी ठीक है, पाइनएप्पल आ जाते हैं गाइस। और ग्रेप्स भी उखाड़ने, ग्रेप्स भी लेने, रुक जा रुक जा रुक जा रुक। स्ट्रॉबेरीज भी आ गई है सबके अंदर, ये लो स्पेस ही नहीं कंटेनर में, कंटेनर ही भर गया पूरा। नेक्स्ट कंटेनर भाई, नेक्स्ट कंटेनर लाओ, ग्रेप्स दो तुम सारे, अबे हाथ में ले, पागल पागल ये क्या, ये लो ये कंटेनर भी भर गया। ओ एक यहाँ पे पड़ा हुआ था ये कंटेनर, अरे ये तो लेके ही नहीं गया बेचने के लिए। ये तीसरा कंटेनर चल रहा है भाई, इसके अंदर और भरूं, रुको हाँ ऐसे भरना सही है ना, ऊपर चढ़ जाता हूँ बिल्कुल पेड़ हो। चलो भाई सारा मैंने भर लिया है, इसको रखते हैं यहाँ पे। और अभी कुछ रह गया क्या उखाड़ना, फसल वगैरह, ओ ये रह रहे हैं, इसको उठाओ, ये भी उठाओ, ये भी उठाओ। अरे यार इनको बेच के आने का है मेरे को। तुम लोग भाई कुछ भी कमेंट्स में बताना, बट ये जरूर बताना कि वाटरमेलन और पंपकिन किस में स्टोर करे जाए, क्योंकि एक एक को रख के ले जाना तो भाई पॉसिबल है नहीं, बट करना ही पड़ेगा अगर कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा तो। और ये क्या आ रहा है इसमें, स्ट्रॉबेरी, अबे इसमें स्ट्रॉबेरी उग रहे हैं क्या, ये तो मैंने देखा ही नहीं इसके, अरे स्पेस भर जाती है। लाओ भाई दो सारे पेड़ दो, इसके पेड़ तो इतने छोटे छोटे से हैं, देख रहे हो भाई, सारे डब्बे फ्रूट्स में चले गए, मतलब क्या कहते हैं इन फल फ्रूट्स में चले गए, जो तो इतने सारे बाहर पड़े हैं। ये अभी अब हुए खत्म जाके, अभी ये भी नहीं हुआ, चलो ठीक है अब हुए प्रॉपर। और भाई ये गार्डनिंग भाई मेंटेनेंस बहुत मांग रही है, देखो हर थोड़ी देर में पेड़ खराब हो जा रहे हैं, कब तक इसमें पेड़ उगाऊं मैं, कब तक पेड़ उगाऊं, कोई बात ही, मैंने हटा तो दिए, जब मन करेगा जब मैं उगा दूंगा। ये देखो ये पेड़ खराब, ये पेड़ खराब, ये पेड़ खराब, आधे से ज्यादा पेड़ तो खराब हो जा रहे हैं। चलो भाई यहाँ से चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं भाई इन पिगीज का क्या हाल चल रहा है, जो प्रेग्नेंट नहीं है उसके अलावा सबको मार दूं क्या कहते हो, बच्चों को छोड़ के, बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन्स को छोड़। ये देखो ये बड़ा नहीं हो रहा क्या, तू बड़ा हो साड़ी यार। पिगीज के लिए वैसे मुझे अलग एरिया बनाना है, और ये एक ही में घुसे पड़े हैं, ये प्रेग्नेंट नहीं है, साड़ी को मारो। किसी ने नहीं सुना, हाँ सब भागेंगे सब भागेंगे। अरे इसको खोलो खोलो साड़ी, और कौन सा है, तू प्रेग्नेंट है क्या, तू प्रेग्नेंट है, तू मत चलते, एक को छोड़ देते, इसको मारो, ये तो छोटा, अरे ये तो माँ है, ये भी प्रेग्नेंट नहीं है, मारो बट ये कौन सा, ये इसको ही मारो, ये कौन सा है, चल दो छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है तू कैसी है रे, तू तो मार, खोलो इसको खोलो इसको खोलो। और अब मेरे को लाने पड़ेंगे बहुत सारे कंटेनर, समझ गए ना तुम। अरे ऐसे मत भागो, ऐसे मत भागो, कुछ नहीं करा मैंने, तुम लोगों की जान बचा रहा हूँ, बहुत सारी संख्या हो गई थी तुम लोगों। लो भाई मुझे वहां जाने दो, और एक सेकंड मुझे कुछ दिखा, मैं जनरल स्टोर जा रहा था और मुझे यहाँ पे कोई तो भागता हुआ दिखा, रुक जाओ। अरे कोई भागता हुआ नहीं था, वो ट्रक ही जा रहा था भाई, मुझे लगा किसी तो हिरन के पीछे वो बियर भाग रहा था, बट ऐसा नहीं था,
मैं भी कुछ भी देख लेता हूँ मन ही मन में। अभी मुझे जाने का है यहाँ पे, और सबसे पहले तो मेरे को खरीदने बहुत सारे कंटेनर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कंटेनर खरीदने वाला हूँ। जाएंगे नहीं जा पाएंगे वो पता नहीं मेरे को, लेकिन मैं खरीद। उसके बाद मुझे कुछ मोल्ड खरीदनी है, 15 मोल्ड ले लिए मैंने, 5,000 का आइटम हो गया। क्या मैं इतना ही ले जाऊँ सारा? ठीक है, फिलहाल मुझे और पैसों की किसी में जरूरत भी नहीं है, मैंने खरीद दिया भाई सारा। और ये देखो भाई, ये सब चीज जमाने में आफत आती है बस, और कुछ नहीं है। चलो लाओ, ये सब मैं एक ही में डाल लेता हूँ अंदर, ये तो सब आ ही जाएगा। चलो भाई, पैकेट 15 पैकेट मैंने इसके अंदर भर लिए। अब जितने कंटेनर्स जा सकते हैं उतने सबको उठा लेता हूँ, 1, 2 और ये 20। भाई सारे कंटेनर्स आ गए इसके अंदर, और कितने सारे कंटेनर खरीद दिए मैंने एक बार में, लेकिन 5,000 का चेपा लगा दिया। कोई बात नहीं भाई, काम आएंगे, सब काम आएंगे, धंधा धीरे धीरे करके बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा। अरे अरे चलो भाई, चलो चलो, इधर लगा बस बस बस। अभी दे ये एक कंटेनर दे मेरे को, ये दूसरा दे, और ये तीसरा दे। चलो भाई, 3 कंटेनर्स में ये भर जाएंगे शुगर का मास, मुझे जहां तक लगता है। और गाइस तुम लोग ये और कमेंट्स में बताना कि ये जो बीफ काओ है ना, बीफ काओ ये कब काटनी है? मतलब तुम लोगों ने बोला है कि मीट के लिए इसको काट दो, लेकिन कब, कितनी बड़ी होगी, इसकी मैक्स साइज क्या है, ये मुझे थोड़ी पता है, तो ये चीज और बताना। बाकी एक कंटेनर भर गया, ये दूसरा ले आया हूं मैं, ये दूसरा भी भर गया, ये तीसरा। लो भाई, ये तीसरा भी भर गया, और अभी तो बहुत सारा पड़ा है अंदर मीट यार, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। ये देखो यहाँ पे, ये देखो तुम, अभी दिखाता हूँ, ये देखो अरे किस तरीके से भरे पड़े साले, मुझे अंदर आंदो के क्या? ए मत आंदो, रुक जाओ यार, इनके लिए भी फूल लानी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये चिकी हाउस ही बनाऊ मैं बड़ा सारा, ये वाला, और ये फेंसेस बनाता हूँ, तो यहाँ का काम तो होगा कुछ नहीं, तो फिर इस बड़े प्रोजेक्ट को देखेंगे। ये बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है भाई, ये सही में यूं लग रहा है कि प्रोजेक्ट सा है कुछ, तो मजा आएगा इसको बनाने में। बस एक दिक्कत दे रही है चीज, मेरे को चाहिए कि यार ये चीज है ना यहाँ पे लग जाए, बट लग नहीं रही है। वो यहाँ लगने लग गई, देख लेंगे भाई इसको, थोड़ा आगे पीछे खिसका लेंगे, जगह तो है, लग जाती भाई, इसका मन जब आता है ना तब लग जाता है ये सामान। ठीक है, नहीं भी लगे तो खुले एरिया में कर लेंगे अपना काम, फालतू में उधर चल के भी नहीं जाना पड़ेगा। सही है, चलो भाई इसके अंदर मैं फर्टिलाइजर डाल देता हूँ थोड़ा बहुत, बट फर्टिलाइजर को पहले इसके अंदर डालना पड़ेगा, इसी में नहीं जा रहा है। लाओ भाई तुम लोग फर्टिलाइजर ले लो सारे, बहुत दिन हो गए तुमको फर्टिलाइजर खाए हुए, वैसे ही पेड़ दिए जा रहे हो तुम मुझे। चलो भाई, अभी मैंने सब में फर्टिलाइजर डाल दिया है, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।